ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 21 जनवरी 2020 मंगलवार का दिन है, माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र एवं धनु राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा जो कि धनु राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध मकर राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनके लिए दिन सबसे खास साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ पदोन्नति या इनके लिए कोई ऐसा काम होने वाला है जिससे घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। थोड़ा बहुत दिन में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन आपके लिए ग्रहों की स्थिति फेवर में रहेगी। बड़े कामकाज में बड़े बदलाव लाने की कोशिश आपको करना चाहिए। पैसों के मामलों में उलटफेर हो सकता है। नौकरी तथा बिजनेस में आपको जो है थोड़ी बहुत तनाव या परेशानी महसूस होगी। अनजाना डर आपको परेशान कर सकता है। कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी। सेहत के मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी और उपाय के रूप में यदि आप गुड़ खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। नौकरी पैसा और बिजनेस करने वालों के काम में बदलाव आ सकता है। आपको कोई नया काम मिल सकता है। सेहत के मामलों में दिन अच्छा है। सुखद शारीरिक बदलाव का योग बनेगा और रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। अचानक धन लाभ आपको होगा। किस्मत का साथ आपको प्राप्त होगा और खर्चा आपका बढ़ेगा, लेकिन नई चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। नए कार्य या मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के नारियल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। प्रॉपर्टी के मामलों में आप सावधान रहें। लोन लेने या किसी को कर्ज देने से आपको बचना चाहिए। बड़े निवेश करने के लिए थोड़ा सा आपको विचार करने की आवश्यकता है। छोटे स्तर पर लेन देन की प्रयास आपको करना होगा। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को कुछ मामलों में किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। भाइयों तथा दोस्तों से समय पर मदद नहीं मिलने से मूड खराब हो सकता है। पुराने विवादों की उलझनें बढ़ सकती है। सेहत के मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। बड़े बदलाव का योग है। कुछ खास लोगों को लेकर आपकी सोच बदल सकती है और उपाय के रूप में यदि गणेश जी के मंदिर में बेसन से बनी मिठाई आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। पूरे महीने आप मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। दिमाग में चल रही उथल पुथल आपको कुछ फैसले लेने में जो है परेशान करेगी। बिजनेस करने वालों को बिना किसी कारण से जो है किसी पर कमिटमेंट या कोई भी वादा नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है। कमजोरी आपको परेशान करेगी और थकावट आपके अंदर आ सकती है और अतिरिक्त कार्य की जिम्मेदारी आपको ऊपर आने वाली है। बिजनेस में आपका पैसा थोड़ा सा कहीं पर उलझने का योग बन रहा है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को नई नौकरी का योग बन रहा है और अच्छे विकल्पों की तलाश आपको करना चाहिए और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले को नए काम या बड़े काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। कामकाज में ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। करियर सेट करने के लिए नए लोगों से मुलाकात होगी और नए ऑफर आपको मिल सकते हैं। आलस्य और लापरवाही से आपको बचना चाहिए। साथ काम करने वाले कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। कामकाज में रुकावटें पैदा करने की कोशिश भी करेंगे। सेहत के मामलों में आपको सावधानी रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें और भावनात्मक रूप से आपको जो है थोड़ी बहुत परेशानी महसूस होगी। और उपाय के रूप में यदि आप दूध से बनी कोई भी मिठाई किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों की तरक्की हो सकती है। अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार होगा। बिजनेस में नए लोगों से मुलाकात होगी। मेहनत के अनुसार आपकी इनकम और फायदा हो सकता है। पुराने निवेश से आपको पैसा मिल सकता है। सेहत के मामलों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। छोटी छोटी शारीरिक तकलीफों को आप नज़रअंदाज न करें। इन शारीरिक बदलावों पर ध्यान दें और समय पर इलाज करवावे। कार्यक्षेत्र में नई उन्नति का योग बन रहा है और आप जहां पर भी जाएंगे वहां से आपको नई सौगात मिल सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र का दान करेंगे, कपड़े का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इस महीने और इस दिन में आपको विशेष खर्चों पर ध्यान देना होगा। रुका हुआ पैसा हालांकि मिलने वाला है। आमदनी आपकी बढ़ सकती है। खर्च भी बढ़ने की संभावना है। जमा पूंजी भी आपकी खर्च हो सकती है। कुछ कामकाज समय से पूरे नहीं होने के कारण आप नाराज हो सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र पर इसका असर पड़ेगा। इसके कारण कामकाज करने की जगह में बदलाव हो सकता है। सीनियर से या साथ काम करने वालों के साथ परेशानी होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पर ग्रहों का नेगेटिव असर पड़ सकता है। अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधान आपको रहना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। आपकी इमेज खराब होने का योग है और आप कोई भी काम करें तो सोच समझ करके आपको करना चाहिए। लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। मेहनत के कारण लोग बाग आपका सम्मान करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय एक लौंग खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए सोचे हुए काम पूरे होने का योग है। हालांकि कुछ मामलों में किस्मत का पूरा पूरा साथ नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। आमदनी बढ़ने का योग है। प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री से आपको फायदा होगा और आगे बढ़ने की रुकावटें समाप्त हो जाएगी। दोस्तों तथा भाइयों से भी मदद मिलेगी। आलस्य और लापरवाही बिल्कुल न करें। कुछ अनुभवी लोगों से आपको फायदेमंद सलाह मिल सकती है। प्रेम प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है और शारीरिक रूप से थोड़ी बहुत आप कमजोरी महसूस करेंगे। और उपाय के रूप में किसी भी विद्यार्थी को पेन या कॉपी का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। नौकरी तथा बिजनेस में चली आ रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। खर्चे बढ़ सकते हैं। सेविंग भी आपकी जो है समाप्त होने का योग बन रहा है और आमदनी बढ़ाने के कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। उनका फायदा भी आप उठाएंगे, लेकिन इनकम के साथ खर्चा बढ़ने का योग है और अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होगी और कहीं कोई वस्तु रख करके आप भूल सकते हैं, इसलिए अपनी कीमती वस्तुओं को आपको संभाल कर रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में मेहंदी चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। रोजमर्रा के कामों से आपको फायदा होगा। नौकरी तथा बिजनेस में नए कामों की प्लानिंग हो सकती है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और धन आपका खर्च होने का योग है। प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा। जल्दबाजी से बचने की कोशिश करें। नौकरी पैसा और बिजनेस करने वालों के कामकाज में रुकावटें आ सकती है। कुछ नए चैलेंज भी आपको मिल सकते हैं और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में काले तिल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
आर्थिक स्थिति सुधरने का योग बन रहा है। पुराने विवाद या रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। कैरियर में आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। नौकरी और बिजनेस में बड़े बदलाव का मूड बन सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने का योग है। शत्रुओं पर आपकी विजय हो जाएगी। आमदनी बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। फायदेमंद सलाह मिलने की संभावना है। दूर स्थान से आपको लाभ होगा। संतान की उन्नति का समाचार भी आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में बेसन से बनी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। निवेश या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का योग बन रहा है। सभी कार्यों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घर परिवार में कुछ मन मुटाव आपके हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में एक नई सौगात भी मिल सकती है और आपकी उन्नति और प्रगति होने का उत्तम योग बनेगा। यात्रा पर जाने का अवसर भी मिलेगा। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गाय को यदि घास खिलाएंगे या हरी सब्जी भी खिला देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।